एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज द यूट्यूब। स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे भारत को गौरवान्वित और प्राउड फील करवाने वाली उड़ीसा की एक लड़की श्रेया लहंगा के बारे में, जिन्होंने केपॉप आइडल बनने की दुनिया में अपना कदम रख दिया है। जाने श्रेया के बारे में सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टैप कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। और साथ ही मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मदद कीजिए। ये ऑपरेशन को पास करने में कुछ टिप्स एंड एडवाइसेस की जरूरत है, तो ज्वाइन मेंबरशिप में अपने यूट्यूब चैनल जेडीयू पर आपको के ऑपरेशन के एडवाइसेस और टिप्स और के ऑपरेशन के ट्यूटोरियल्स देती हूँ। आई होप आप मेंबरशिप को ज्वाइन करें। ये मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको काफी इंस्टेंट एक्सेसेस मिलेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे आपको के ऑडिशन को पास करने में, ताकि आपका के आइडल बनने का सपना पूरा हो सके। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लॉयल्टी बेजेस, इमोजीज एंड पर्क्स, मेंबर ओनली चैट रूम्स। यहाँ पर सिर्फ जो मेंबर्स होंगे, जिनके पास मेंबरशिप होगी, उनके लिए एक अलग से चैट रूम बनाया जाएगा, जहाँ पे सभी आप लोग बात कर सकते हैं और अपनी वरीज को सॉल्व कर सकते हैं कंसल्ट करके। मेंबर ओनली लाइव चैट्स, जितने भी मेंबर्स होंगे जिनके पास मेंबरशिप होगी, उनके लिए एक लाइव चैट में ऑर्गेनाइज करूंगी कुछ टाइम में, ताकि वो लोग अपने से बात कर सकें, सभी आप केवल फ्रेंड्स हो सकें और अपनी जो बातें हैं अपने एक दूसरे से शेयर कर सकें। पर्सनल चैट्स, इसमें आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अपनी वरीज और अपने जो भी आपको टिप्स चाहिए, कुछ भी ऑडिशन से रिलेटेड, ऑडिशन वीडियो से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ वीकली और मंथली इवैल्यूएशन सेशंस, आपके ऑडिशन वीडियो और आपके ऑडिशन के डांस, सिंगिंग और फोटोज, उनके आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इवैल्यूएशन कर सकूं, बता सकूं कि वो जो आपने फोटोज और वीडियोस बनाई हैं वो आपके जो ऑडिशन में अप्लाई करने के लायक है या नहीं है। अर्ली एक्सेस टू वीडियोस, जो मैं वीडियोस डालती हूं उस पर आपको अर्ली एक्सेस मिल सके, ताकि आप जल्द से अप्लाई कर सके, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल जो ऑडिशन होते हैं उनकी जो है जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 48 आवर्स का। आपको जल्द से अप्लाई करना होता है, क्योंकि आजकल सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है, इसलिए आपको जल्दी से पता चल सके कि किसका ऑडिशन हो रहा है, कब हो रहा है, तो वो आपको मिल सकती है एक्सेस इस पर भी। और साथ ही प्रायोरिटी टू कमेंट्स, क्योंकि जो भी ऑडिशन होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे होते हैं, तो सभी लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसलिए जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं वो भी बहुत ज्यादा नंबर पे आते हैं, इसलिए मैं सिर्फ कुछ को ही रिप्लाई कर पाती हूँ, कुछ को नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। इसलिए अगर आपके मेंबरशिप होगी तो आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं प्रायोरिटी दूंगी और उन्हें सबसे पहले रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों की मेंबरशिप को ज्वाइन करने से जो सपोर्ट मुझे मिलेगा, ना कि सिर्फ आप बेनिफिट्स को रिसीव करेंगे, बट आप मेरी भी मदद करेंगे, ताकि ऐसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियोस को क्रिएट करती रहूं और आपके केप ऑडिशन का पास करने में और आपके केप आइडल बनने का सपना पूरा होने में एक जरिया बन सकूं। सो ज्वाइन द मेंबरशिप नाउ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रियंका मजुमदार और सिद्धांत अरोरा जैसे हमारे भारतीयों ने केपॉप आइडल की दुनिया में अपना कदम रख के काफी नाम कमाया है, उन्हीं की तरह एक लड़की श्रेया लहंगा ने इस बार फिर से हमारे भारत को गौरवान्वित प्राउड फील करवाया है पूरे वर्ल्ड में। श्रेया लहंगा 17 साल की ओडिशा की एक स्मॉल टाउन झारसगुड़ा की रहने वाली है। श्रेया लहंगा ने लॉकडाउन पीरियड का यूज किया है उनके डांस और सिंगिंग के पैशन को पूरा करने के लिए। श्रेया लहंगा एक टीनेजर है ओडिशा की, जिन्होंने अपना स्थान बनाया है टॉप 23 फाइनलिस्ट में ब्लैक स्वान की, जो कि है एक ग्लोबली अक्लेम्ड केपॉप गर्ल ग्रुप साउथ कोरिया का। श्रेया लहंगा इकलौती इंडियन है जो सिलेक्ट हुई है कोरियन म्यूजिक लेवल डीआर म्यूजिक के अंडर। इन 23 गर्ल्स में से एक गर्ल को मिलेगा गोल्डन टिकट, जो कि होगा पांचवा मेंबर बनने का ऑफ केपॉप गर्ल ग्रुप ब्लैक स्वान का। श्रेया लहंगा का नाम अनाउंस हुआ था लाइव यूट्यूब चैट वीडियो में के तहत, जो स्ट्रीम हुई थी 3 जुलाई 2021 इसी साल। यह खबर सुनकर हर भारतीय खुश और प्राउड फील कर रहा था। पूरे वर्ल्ड में से गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से टॉप 23 फाइनलिस्ट में हमारे यहाँ के श्रेया लहंगा ने जगह बनाई। ब्लैक स्वान ओरिजिनली 5 मेंबर्स का गर्ल ग्रुप था, मगर उनमें से एक आइडल ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया है, जिसकी जगह खाली हो चुकी है और उसी मेंबर की प्लेस को पूरा करने के लिए डीआर म्यूजिक ने होल्ड किया है एक यूनियन ग्लोबल ऑडिशन इन सर्च ऑफ इट्स 5th मेंबर। कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए ऑडिशन की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हुई। श्रेया लहंगा ने उन हजारों लाखों कंटेस्टेंट में से एक थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस यूनिक ग्लोबल ऑडिशन में। श्रेया पहले से ही केपॉप फैन थी, श्रेया केपॉप आइडल्स को फॉलो करती रहती थी, इसी तरह उन्हें पता चला एक दिन इस ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में, जो कि लॉकडाउन में हुआ था इसी साल। श्रेया ने अप्लाई किया ऑडिशन के लिए और जैसे ही मैंने बताया 3 जुलाई को लाइव यूट्यूब चैट पर श्रेया का नाम अनाउंस किया गया ब्लैक स्वान के बाकी मेंबर्स के साथ। ब्लैक स्वान के फॉर्मर मेंबर रह चुकी हैं रानिया। ब्लैक स्वान के 4 इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। इस ग्रुप में 2 कोरियन आइडल्स हैं और एक है मेंबर पताओ, जो सेनेगलीज वोकलिस्ट और रैपर दोनों हैं, और साथ ही लिया, जो कि ब्राजीलियन जापानीज सिंगर हैं। श्रेया लहंगा में रेयर टैलेंट है युवा का। श्रेया जानती है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कंटेम्पररी मॉडर्न डांसेस,
श्रेया ने प्रूव किया है कि एज इज जस्ट नंबर। किसी भी फील्ड में महारत पाने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। श्रेया का ओडिसी क्लासिकल डांस में भी बहुत इंटरेस्ट है। श्रेया एक ऑलराउंडर है, उन्हें काफी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और काफी अवार्ड भी जीते हैं। श्रेया ने कम्प्लीट करी है उनकी 10th बोर्ड फ्रॉम डीएवी स्कूल झारसागुड़ा से। श्रेया को डेली रूटीन में उन्हें पढ़ने के टाइम के साथ साथ उनकी रिगरस डांस और सिंगिंग प्रैक्टिस सेशंस भी इंक्लूड है। श्रेया लंका सिलेक्ट हो चुकी हैं टॉप 4 फाइनलिस्ट में और वह सभी केपॉप लवर्स में काफी छा गई हैं और हमारे इंडिया में भी काफी छा गई हैं। अब बस लास्ट राउंड बचा है जिसमें चारों फाइनलिस्ट को एक दूसरे से कम्पीट करना होगा और ब्लैक स्वान का 5th मेंबर के रूप में ज्वाइन करने के लिए। इस 3rd राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए श्रेया और बाकी के 3 मेंबर्स को साउथ कोरिया बुलाया जाएगा, जो कि होगी 2 मंथ की ट्रेनिंग। 2 मंथ की ट्रेनिंग के बाद डीआर म्यूजिक एंटरटेनमेंट एजेंसी डिसाइड करेगी कि इन 4 कैंडिडेट्स में से किसे सिलेक्ट किया जाए। श्रेया लंका के पहले गुरु थे मदन मोहन कुर्ति, जो कि एक नोटेड कोरियोग्राफर है राउरकेला के, और वह हमारे भारत में जाने जाते हैं बेस्ट कोरियोग्राफर में से एक। श्रेया लंका की गोल्डन वॉइस है और उन्होंने काफी अपनी प्रैक्टिस में काफी इम्प्रूवमेंट किया है उनके ट्रेडिशनल और अदर डांस फॉर्म्स को सीखने के लिए। इसके साथ ही श्रेया लंका एक ट्रेंड डांसर है, योगा एंथुजियास्ट है और उन्होंने काफी अवार्ड जीते हैं नेशनल और रीजनल लेवल कॉम्पिटिशन्स पे, तो हम भारतीयों को उनसे काफी उम्मीदें हैं क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काफी हिंदुस्तानी क्लासिकल लेसन भी लिए हैं विद एम टू बिकम अ ग्लोबल पॉप आर्टिस्ट। अब केवल आखिरी राउंड बचा हुआ है और श्रेया लंका पूरी मेहनत में लगी हुई है टू बिकम इंडियाज फर्स्ट केपॉप सेंसेशन। श्रेया लंका ने सभी से रिक्वेस्ट की है कि वो उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें सपना पूरा करने में मदद करें। यहाँ मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और केपॉप लवर्स को बताना चाहूंगी कि उन 3 कैंडिडेट्स में से श्रेया सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट है और उन्होंने काफी हार्ड वर्क से अपनी जगह टॉप 4 में बनाई है। तो अब हमारी बारी है श्रेया लंका को अपना प्यार और सपोर्ट देने की, क्योंकि हम तो यही चाहेंगे हमारी सुपर टैलेंटेड हार्ड वर्किंग श्रेया लंका को सिलेक्ट किया जाए ब्लैक स्वान के मेंबर के तौर पर और अपने सपने को पूरा कर सके। और वही हुआ, जैसे ही न्यूज में आया कि श्रेया लंका बन चुकी है इंडिया की फर्स्ट केपॉप आइडल, जिन्होंने ज्वाइन किया है पॉपुलर साउथ कोरियन गर्ल ग्रुप जिसका नाम है ब्लैक स्वान, ये सुनकर सभी फैंस बहुत ही खुश हुए। ओडिशा की 18 साल की श्रेया लंका का स्टेज का नाम है श्रिया, जिन्हें सिलेक्ट किया गया है गैब्रियल दालचिन ब्राजील की जो है उनके साथ ही एक प्रोग्राम के थ्रू जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था डीआर म्यूजिक ब्लैक स्वान म्यूजिक लेवल के थ्रू। ये जो ऑडिशंस हुए थे ग्लोबल लेवल पे हुए थे, इस ग्लोबल ऑडिशन को पास करके ही ब्लैक स्वान की मेंबर बनी है श्रेया लंका। उनका स्टेज का नाम है श्रिया और जो प्रोग्राम था उसे खोला गया था सिग्नस वो प्रोजेक्ट था जिसके अंदर उन्होंने 6 मंथ तक सारे कॉम्पिटिशन्स रखे, ऑडिशंस कराए ताकि वो सिलेक्ट कर सके, ताकि वो एक रिप्लेसमेंट ढूंढ सके हायम के लिए। जो मेंबर्स हैं ब्लैक स्वान उसमें 5 मेंबर्स थे, बट उनके जो एक मेंबर थी हायम उन्होंने ग्रुप को छोड़ दिया था नवंबर 2020 में। सो उसी की जगह को फिल करने के लिए जो है सिग्नस प्रोजेक्ट रखा गया था और उसी में सिलेक्ट हुई है हमारे इंडिया की श्रेया लंका। मेरे काफी सब्सक्राइबर्स हैं जो केपॉप की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें मैं यही सलाह दूंगी कि आप अपनी लाइफ को पूरा जी भर के जिए, क्योंकि कहते हैं ना लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर आप केपॉप की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो लग जाइए पूरी मेहनत में और अपना सपना पूरा कीजिए। मैंने काफी वीडियोस बनाई है केपॉप ऑडिशन ट्यूटोरियल्स पर, केपॉप रूल्स और केपॉप की बनने के लिए पूरी गाइड जो आपको मदद करेगी आपके डाउट्स और मिथ को क्लियर करने के लिए, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। That's all for today, guys. Those who have queries related to video, ask me in my comment box. If you liked what you see, then make sure to click the subscription button. It will help me to grow. Also encourage me to make more BTS, K-pop entertainment, K-pop audition tutorials, and Korean entertainment videos like this in the future. Love you all. Stay safe. See you guys on my next video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to my channel, The YouTube. Bye-bye.